नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का पार्ट टू चैप्टर वन रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पार्ट टू के चैप्टर वन रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ज्यूरिसप्रूडेंशियल बेसिस को स्टार्टिंग में देखेंगे। ज्यूरिसप्रूडेंशियल बेसिस तीन मैगजीन पर डिपेंड है। पजेशन इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप, अधिपत्य स्वामित्व का प्रथम दृष्टिया साक्ष्य है। सेकेंड है पजेशन इज नाइन पार्ट ऑफ लॉ, कब्जे का विधि में नौ भाग होता है। एंड थर्ड है पजेशन इज द डिफैक्टो काउंटर पार्ट ऑफ ओनरशिप, कब्जा स्वामित्व का वस्तुतः प्रति वस्तु है। दीज आर द ज्यूरिसप्रूडेंशियल बेसिस ऑफ द चैप्टर वन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 110, जो कि यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में उस व्यक्ति के स्वामित्व से यदि इनकार करता है जिसके अधिपत्य में वह संपत्ति है और स्वयं को उसका स्वामी बताता है, तो यह सिद्ध करने का प्रमाण भार उस व्यक्ति पे होगा जो ऐसे अधिपत्य से इनकार करता है। मतलब कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसका होगा जो किसी के कब्जे को डिनाई करता है। धारा 5 और धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वैकल्पिक उपचार देती है और इसलिए एक दूसरे से भिन्न है। धारा 5 के अंतर्गत जो व्यक्ति बेदखल किया गया है वह टाइटल सूट के आधार पर कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है, जबकि धारा 6 के अंतर्गत बेदखल व्यक्ति केवल यह दिखाकर कब्जा प्राप्त कर सकता है कि वह स्थावर संपत्ति पर काबिज था और उसे अविधिक सदोष बेदखल कर दिया गया है। धारा 6 के अंतर्गत उसे यह नहीं साबित करना पड़ेगा कि उसे बेदखल करने वाले व्यक्ति के मुकाबले बेहतर हक प्राप्त था। बेदखल करने वाले व्यक्ति को स्वामित्व द्वारा या संविदा के अंतर्गत या उत्तराधिकारी के रूप में अपना हक दिखाने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। धारा 6 का मार्जिनल नोट है, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। धारा 6 का क्लॉज एक यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा उसे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रतिद्रुत कर सकेगा। धारा 6 क्लॉज 1 के एसेंशियल्स को देखते हैं। क्या है एसेंशियल? पहला है स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी? वह इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका पजेशन प्लेंटिफ ने होल्ड किया है या जिससे प्लेंटिफ डिस्पजेस किया गया है, उस प्रॉपर्टी पर प्लेंटिफ का सेटल्ड पजेशन होना चाहिए। सेटल्ड पजेशन मीन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, पजेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। सेकंड है एनी पर्सन डिस्पजेस विदाउट हिज कंसेंट, कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना बेकब्जा हुआ। और तीसरा है अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विधि के समय के अनुक्रम से अन्यथा। अब आते हैं डिस्पजेशन, तो एसआरए के लिए यदि पजेशन फिजिकल होना चाहिए तो डिस्पजेशन भी फिजिकल ही होना चाहिए। डिस्पजेशन कहाँ से होना चाहिए? तो डिस्पजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी से होना चाहिए। डिस्पजेशन कैसे होना चाहिए? तो विदाउट हिज कंसेंट, मतलब कि वादी के सम्मति के बिना होना चाहिए। और डिस्पजेशन किस प्रक्रिया से होना चाहिए? अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अब वाद कौन ला सकता है धारा 6 के अंतर्गत? तो धारा 6 के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उस स्थावर संपत्ति से बिना उसकी सम्मति के बेकब्जा किया गया है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति। ये सेकंड वाला जो है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, यह एक्ट नंबर 18/2018 द्वारा इंसर्ट किया गया, संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे जोड़ा गया। अब आते हैं धारा 6 की क्लास 2। धारा 6 का क्लास 2 यह बताता है किसके अधीन वाद नहीं लाया जाएगा। तो पहला है कि बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात वाद नहीं लाया जाएगा और सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जाएगा। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पोजिशन एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब धारा 6 का क्लास 3 यह बताता है कि इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी और न ही कोई पुनर्विलोकन अनुज्ञात होगा। मीन्स नो अपील और नो रिव्यू शैल लाई। रिवीजन अलाउ किया जा सकता है ऑन द मेयर एरर ऑफ द लॉ के ग्राउंड पर, केवल रिवीजन ही अलाउ किया जा सकता है, अपील और रिव्यू लाई नहीं करेगा।
अब धारा 6 का क्लास 4 यह बताता है कि इस धारा की कोई बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्वारण करने से वर्जित नहीं करेगी। धारा 6 क्लास 4 में पारित हुई डिक्री जो सही हकदार के विरुद्ध टाइटल सूट में रेस जुडिकेटा का प्रभाव भी नहीं रखेगी। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6 धारा 6 के उद्देश्य पर। पहला है लोगों को उनका स्वत चाहे कितना भी श्रेष्ठ विधि को अपने हाथ में लेने से रोकना। दूसरा निष्कासित व्यक्ति को शीघ्र एवं सरल प्रक्रिया द्वारा उपचार प्रदान करना। यह उपचार शिविर न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से अन्यथा निष्कासन को एक उदाहरण से समझने की। यदि कोई भूस्वामी ऐसे किराएदार को बलात् निष्कासित करता है जो किराएदारी के समाप्त हो जाने पर भी उस पर आधिपत्य धारण किए हुए है तो यह विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से अन्यथा निष्कासन माना जाएगा। यहाँ तक कि सरकार भी विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से अन्यथा किसी को कब्जे से निष्कासित नहीं कर सकती है। अब इसी में एक बात और आती है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, सबूत का भार किस पर होगा। तो इसका उत्तर है सबूत का भार वादी पर होगा कि वह वेल सेटल्ड पोजीशन में है क्योंकि वही पीड़ित है। बेकब्जा किए जाने से तो कब्जा उसी का था और उसे ही यह साबित करना होगा। अब आते हैं धारा 5 और धारा 6 में मुख्य अंतर देख लेते हैं। धारा 5 के अंतर्गत वादी को बेदखली के लिए चिरकाल तक चलने वाला एक नियमित वाद दायर करना होता है जबकि धारा 6 एक संक्षिप्त उपचार की व्यवस्था करती है। धारा 5 के अंतर्गत अध्यर्थना स्वत्व पर आधारित होती है जबकि धारा 6 के अंतर्गत अध्यर्थना कब्जे पर आधारित होती है और स्वत्व के प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जाती है और अधिकार पूर्ण स्वामी भी अपना स्वत्व दिखाने से प्रतिवादित किया जा सकता है। धारा 5 में कलावादी 12 वर्ष की होती है जबकि धारा 6 में यह बेदखली के दिनांक से केवल 6 मास की होती है। तो मेनली इसमें देखने के लिए जो है वो धारा 6 का क्लास 1 है। धारा 6 के क्लास 1 में इंसर्ट किया गया 2018 के द्वारा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है वह भी वाद ला सकता है। यह था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 6 और धारा 5 तथा धारा 6 में अंतर।